तहसील क्षेत्र के ग्राम देवरी घाट में बने पहाड़ी बांध से धसान नदी में सोमवार को 1,40,000 क्यूसेक से अधिक बरसाती पानी छोड़ा जा रहा है। बांध में बरसाती पानी का जल स्तर रविवार की शाम 4 बजे फिर अचानक बढ़ जाने से पहाड़ी बांध में लगे 19 फाटकों में से 14 को 2 मीटर व 10 सेंटीमीटर खोलकर पानी का निकासी कर दी गई है। इस संबंध में मौके पर सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर अखिलेश कुमार चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ में स्थित बांध सुजारा डैम में पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में हो रही मूसलाधार मौसमी बारिश के चलते पानी का जल स्तर अधिक मात्रा में बढ़ जाने से वहां से 80,000 क्यूसेक से अधिक पानी धसान नदी के रास्ते छोड़ा गया है, जिससे पहाड़ी बांध की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 14 गेट खोल दिए गए हैं, जिसमें 1,40,000 क्यूसेक पानी लहचूरा डैम में धसान नदी के रास्ते छोड़ा गया। उन्होंने बताया कि बांध के निचले वाले हिस्से के ग्रामों के लोगों को एक बार फिर से सचेत कर दिया गया है कि कोई भी मछली पकड़ने के लिए उफनती नदी में नहीं जाए, तथा नदी के आसपास के ग्रामीणों को भी इससे दूर रहने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं बांध सुजारा डैम पर तैनात सिंह ऑपरेटर ने पहाड़ी बांध पर तैनात जेई रोहित कुमार ने सूचना भेजी है कि सोमवार 22 अगस्त सुबह 8 बजे बांध के सभी 1 दर्जन फाटकों को खोल दिया गया है, जिससे धसान नदी के रास्ते 3,795 घन मीटर प्रति सेकंड से पानी प्रवाहित हो रहा है। संवाददाता मुकेश राजपूत के साथ मनीष नायक की रिपोर्ट। मेरा नाम रोहित कुमार है, मैं सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात हूँ। बांध में इस समय क्या स्थिति है? इस समय हमारे 14 गेट दो 10 मीटर तक खुले हुए हैं, 2.1 मीटर तक खुले हुए हैं, और अभी शाम तक संभावना है कि और भी इसमें वृद्धि की जाएगी, क्योंकि बांध सुजारा से काफ़ी मात्रा में तकरीबन 3,795 क्यूबिक का डिस्चार्ज किया जा रहा है, और उसी के को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने पहाड़ी बांध से भी डिस्चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं। अपने यहाँ पर इतनी वर्षा हो रही है, पानी कहाँ जा रहा है? ये सर पानी आपका मध्य प्रदेश क्षेत्र में जैसा कि सूचनाओं में जानकारी प्राप्त हो रही है, मध्य प्रदेश के कई जिलों में भीषण बारिश हो रही है, उसी की का ही ये सारा बाढ़ का पानी है जी। आपका क्या नाम है, आप किस पद पर तैनात हैं? हमारा नाम है अखिलेश कुमार चौहान, हम यहाँ पहाड़ी डैम पर जूनियर इंजीनियर के पद के पर तैनात हैं, और यहाँ की सिचुएशन ये है कि जैसे ही हमें इनफ्लो प्राप्त हुआ है, सूचना प्राप्त हुई है कि बांध सुजारा डैम से कल शाम से ही करीब लगभग 3,000 क्यूमे के पानी छोड़ा जा रहा है, उसी हिसाब से हम भी अपना डिस्चार्ज किए बांध की सेफ्टी देखते हुए किए कर रहे हैं। अभी सूचना सुबह प्राप्त हुई है कि शाम तक उन्होंने इनफ्लो और बढ़ाना है, उसको मद्देनजर रात में हमारा डिस्चार्ज हो, जैसा इनफ्लो प्राप्त होगा उसके हिसाब से डिस्चार्ज बढ़ाया जा सकता है।